जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको एसएससी सीजीएल में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका मैं आज एनालिसिस करूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है, कौन से ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? तो फर्स्ट इसका आंसर ऑप्शन क्या है, शुक्र, दूसरा मंगल, तीसरा अरुण, चौथा वरुण। ये चार ऑप्शन में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र। शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य के उल्टी दिशा में या विपरीत दिशा का है तो इसका परिक्रमा करता है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, यूरेनस, जिसे अरुण कहते हैं, तापमान -224 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कहीं कहीं आपको वरुण देखने को मिल जाएगा, लेकिन वरुण का तापमान -214 डिग्री सेल्सियस है, जिसके कारण इसे गलत और तीसरा अरुण को सही माना जाता है, यूरेनस को 200 -224 डिग्री सेल्सियस। ऐसे आप लोग इसका सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। शनि ग्रह पानी पे तैर सकता है। और दूरबीन से खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है, यूरेनस, जिसे 13 मार्च 1781 को खोजा गया था हर्सेल के द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया, पहला क्या है, केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा कर्नाटक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा, केरल। कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और भरतनाट्यम कुंभी तमिलनाडु, यक्षगान कर्नाटक। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। एक नृत्य से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? फर्स्ट इसका ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 59, दूसरा अनुच्छेद 71, तीसरा अनुच्छेद 63, तिरसठ अनुच्छेद 52। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 63। और अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। और निर्वाचन विवाद, राष्ट्रपति का निर्वाचन विवाद अनुच्छेद 71 और अनुच्छेद 52 में यह कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और अनुच्छेद कौन सा इसमें बच गया, 59 क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा, अनुच्छेद 59। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाता है? तो पहला ऑप्शन इसका क्या, अनुच्छेद 352, दूसरा अनुच्छेद 356, तीसरा अनुच्छेद 360, चौथा अनुच्छेद 241। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 352। अब यहाँ पर कुछ इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार बन रहा है। भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था है, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद किससे, 356। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में 1951 में लगाया गया था। अब तक भारत में अनुच्छेद 360 लागू नहीं किया गया, मतलब वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, चौसा का युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन 1540, दूसरा 1539, तीसरा 1760 और चौथा क्या है, 1764। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 1539। तो इसका सही आंसर 1539। कभी कभी ये पूछ देता है कि चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ। यह युद्ध मुगल बादशाह हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंकुर योजना किस राज्य से संबंधित है? एक योजना से प्रश्न बन रहा है जो हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा। तो क्या है इसका ऑप्शन, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, अंकुर योजना मध्य प्रदेश। और देखिए यहाँ पर इसे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन देखिए, मातृभूमि योजना, वन डिस्ट्रिक्ट योजना उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान योजना छत्तीसगढ़, दयालु योजना हरियाणा, राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना बिहार में।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा और किस राज्य में कौन सा योजना है उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कजरी यूपी के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिर्जापुर, लखनऊ, कानपुर और जौनपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिर्जापुर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, भारत ने पहले वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच की मेजबानी कहाँ किया था? चेन्नई, लखनऊ, हैदराबाद और मुंबई। तो इसका सही आंसर हैदराबाद। और 23 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, कबड्डी का पहला विश्व कप साल 2004 में किस राज्य में आयोजित किया गया? तो जिसमें ऑप्शन था मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। तो कबड्डी का पहला विश्व कप साल 2004 में मुंबई में आयोजित किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन देख लीजिए क्या है, फर्स्ट कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा तमिलनाडु, चौथा आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल। और कर्नाटक किसके लिए फेमस है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये तीनों का कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? इसका क्या है, फर्स्ट देखिए ऑप्शन, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153 और अनुच्छेद 155। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान और एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य का कार्यभार संभाल सकता है। और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और आप लोग अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 152 कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये सभी अनुच्छेद अपने आप में क्या है, एक क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कभी किसी के शादी विवाह में जाते होंगे तो सभी बाराती हम लोग कहते हैं, तो सभी बाराती क्या होते हैं, एक लड़का होते हैं, कभी ना कभी वो एक दूल्हा बनेंगे या बन चुके होते हैं। इसीलिए ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आया हुआ होता है या आएगा, तो इसीलिए आप लोग इसे इग्नोर नहीं करिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 4 ऑप्शन मिला, तो 40 क्वेश्चन आप लोग को इससे मिल चुका है। तो 40 क्वेश्चन, और हमारा ये सेशन कैसा लगा, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए धन्यवाद।